हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। जूनियर इंजीनियर जनरल साइंस सेट नंबर 20 और ये क्वेश्चंस लिए आरआरबी जेई का जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है 29/8/2015 के, उसके शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इलेक्ट्रिक करंट में भी डिफाइंड एज, विद्युत धारा को आप किस तरीके से परिभाषित करोगे? तो इलेक्ट्रिक करंट आई होती है, इसको बोलते हैं अपन क्यू बाई टी। क्यू बाई टी का मतलब आवेश प्रवाह की रेट को अपन कहते हैं विद्युत धारा। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या बनेगा? रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज, तो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ चार्ज होएगा, नहीं कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज नहीं होएगा, ना ही चार्जिंग ऑफ बैटरी। यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ए। यहाँ पे आप यूनिट भी निकाल सकते हो, ऐसा यूनिट इसकी एम्पियर मानी जाती है। और वैसे निकलो आप तो कूलम पर सेकेंड आपको बतानी है, कूलम पर सेकेंड। ए बुलेट ऑफ मास एम के जी इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, एम मास की कोई बुलेट है उसको हॉरिजॉन्टली फायर्ड करते हो विद ए वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी वी है। फ्रॉम ए गन, आपके पास एक बड़ी सी गन है उसके द्वारा जिसका मास है 100 kg, दी रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, गन पीछे की तरफ धक्का लगेगा वो बतानी है आपको। तो समय संरक्षण नियम से एम वी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, यहाँ पे आपको v निकालना है तो m इंटू वी अपॉन में क्या हो जाएगा m। तो मास कितना है आपके पास? मास है 100, वेलोसिटी कितनी है v, अपॉन कैपिटल मास कितना है? कैपिटल मास है, ये ओनली m है, स्मॉल m इंटू वी, वी कितना है? स्मॉल वी अपॉन में 100 m, एम से एम कैंसिल तो वी बाई 100 हो जाएगा। और रिकॉइल स्पीड हमेशा नेगेटिव में ली जाएगी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा एम अपॉन ये वी अपॉन 100। लेट जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बी द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए प्लेस, ठीक है। एक प्लेस पर ग्रेविटी जी है, एक्सीलरेशन बी द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए प्लेस। ये मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ आर रिड्यूस, यहाँ पे मास को भी आपने रिड्यूस कर दिया हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, और रेडियस को भी आपने हाफ कर दिया। तो द वेट ऑफ 1 kg ऑब्जेक्ट विल बिकम, तो 1 kg ऑब्जेक्ट का वेट अब कितना हो जाएगा? सिंपल सा ग्रेविटी निकालते हैं, जी एम बाई आर स्क्वायर, तो एम बाई टू आर स्क्वायर, यानी आर बाई टू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एम बट्टे टू आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? डायरेक्ट हाफ हो रहा है, ग्रेविटी का आधा हो रहा है, यानी आपका जो वेट हो जाएगा ग्रेविटी का आधा 1 kg है, तो यहाँ पे भी वेट आपका आधा हो जाएगा, तो 0.5 kg। सॉरी, कैलकुलेशन देखिएगा, यहाँ पे एम बाई टू, कैलकुलेशन देखिए, एम बाई टू बटे आर स्क्वायर बटे 4 बनेगा, तो ये 2 आ गया, तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो ट्वाइस एम बटे आर स्क्वायर, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो ये हो जाएगा एम बाई आर स्क्वायर का डबल, यानी एम बाई आर स्क्वायर ग्रेविटी, तो 2g हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे ये देखना आपको, 2g आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट बी ऑफ मास 2m। आपके पास ए है और ये बी है, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है जिसका मास एम है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डबल है, इज ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी डबल है, और बी यहाँ पे इसका मास है वो है ट्वाइस एम। लेट वी एंड वी बी रिप्रेजेंट द वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी वी है, यहाँ पे वेलोसिटी वी बी है रेस्पेक्टिवली, देन वी ए और वी बी क्या हो जाएगा? अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 mv² यानी वी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ट्वाइस इंटू 1/2 m, m कितना रखना है आपको? ट्वाइस m इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर यानी वी बी का होल स्क्वायर, ये कैंसिल से कैंसिल, और ये हो जाएगा अपने पास m से m कैंसिल हो जाएगा, m उधर चला जाएगा, तो वी ए अपॉन वी बी, वी ए स्क्वायर अपॉन वी बी स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा 4। और अपने को नहीं करना ओनली वी ए अपॉन वी बी, इसका अंडर रूट करेंगे 4 का अंडर रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए साउंड वेव ट्रेवल्स इन मीडियम, जब भी कोई ध्वनि तरंग है किसी मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है तो ये क्या क्रिएट करती है? तो ये क्रिएट करती है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन अल्टरनेटिवली, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन दोनों अल्टरनेटिवली उत्पन्न करती है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर ए कन्वेक्स मिरर द इमेज, ध्यान दीजिएगा हमेशा कन्वेक्स मिरर के केस के अंदर जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल होती है, और कनकेव के केस के अंदर जो हमेशा इमेज बनती है वो होती है रियल, तो कन्वेक्स के केस के अंदर हो जाएगी वर्चुअल। एक करंट ऑफ 0.1 एम्पियर फ्लोज टुवर्ड्स लेफ्ट इन ए कंडक्टर है, एक कंडक्टर है उसके अंदर बाईं तरफ 0.1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है टुवर्ड्स लेफ्ट इन ए कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन की वैल्यू आपको बतानी है पर सेकेंड थ्रो एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड देयर डायरेक्शन इज, देखो करंट की डायरेक्शन लेफ्ट में है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन राइट में होगी, तो ये दो तो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो क्यू बराबर होता है, आई बराबर होता है अपना क्यू बाई टी, और क्यों बराबर होता है एन इंटू ई, तो
आई बराबर हो गया एन ई अपॉन में टी, एन निकालना है आपको तो एन हो गया आई इन टू टी अपॉन में ई। आई की वैल्यू रख दीजिएगा 0.1 इंटू टी की वैल्यू 1 सेकंड अपॉन ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको सॉल्व करना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कंसर्निंग द रिएक्शन, कौन सा इसमें सही है? क्या H2S इज रिड्यूस्ड हो रहा है? H2S क्या हो रहा है देखिएगा, रिड्यूस्ड हो गया। क्या रिड्यूस का मतलब? इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये तो हो नहीं सकता। H2S ऑक्सीडाइज हो रहा है, बिल्कुल H2S ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। SO2 रिड्यूसिंग एजेंट है? नहीं, SO2 रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, और SO2 क्या है यहाँ पे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और H2S इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2S क्या हो रहा है ये भी नहीं है, तो यहाँ पे ओनली अपना करेक्ट आंसर बनेगा ये। इसको आपको सिंपली भाषा में समझना है, जिसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसको आप ऑक्सीडाइज ले लीजिएगा, ऑक्सीजन के कंसेप्ट में आपको कुछ देखना है, और जिससे हट रहा है तो उसको रिड्यूस्ड कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो H2S है, इसके साथ में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी H2S क्या हो गया आपका यहाँ पे? ऑक्सीडाइज। कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली टू ए गैसियस स्टेट, सॉलिड से डायरेक्ट गैस के अंदर जाना क्या कहलाता है विदाउट लिक्विड गोइंग? तो ये कहलाता है आपका सब्लिमेशन, या कहे तो ऊर्ध्वपातन। ठोस से सीधे गैस में रूपांतरण कहलाता है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। द सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस ए, आपके पास कोई सब्सटेंस ए है उसका सॉल्यूशन है, वो टर्न कर देता है, टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, यानी रेड को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देता है, तो ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा देखिएगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पीएच रेंज इन विच सब्सटेंस ए विल फाउंड, अगर रेड को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर रहा है इसका मतलब ये बेस हो जाएगा आपका, और बेस हो जाएगा इसका मतलब इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7 से ज़्यादा होनी चाहिए, और 7 से लेकर 14 तक होनी चाहिए। अब देखिएगा 0 से लेकर 6 तक ये नहीं हो सकता, 6 से लेकर 12 तक नहीं हो सकता, 7 से लेकर 13 तक, 7 से लेकर 13 तक नहीं होगा, 7 से लेकर 14 तक, क्योंकि जो पीएच स्केल होती है वो 0 से 14 होती है, तो अपना आंसर जाएगा डी के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट इज अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता के इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया सीक्वेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर? तो यहाँ पे आप देखोगे हेलोजन ग्रुप्स के अंदर जो ऊपर की तरफ होता है इसके अंदर ऊपर ऊपर तत्व होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा होती है, और नीचे से ऊपर जाते तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ती जाती है। देखो फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन, तो ये उल्टा है, आयोडीन ब्रोमिन क्लोरिन फ्लोरिन इधर जा रहे हैं, तो यानी फ्लोरिन ऊपरी ऊपर, ये अपना आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एन हेक्जेन, दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि एन हेक्जेन, हेक्जेन के लिए मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या बनेगा? तो देखो एल्केन एल्किन एल्काइन, तो ये क्या है आपका? हेक्जेन है। हेक्जेन के लिए क्या हो जाएगा? CnH2n-2 होता है, जैसे एल्किन एल्किन एल्काइन है वैसे आपके पास क्या है? हेक्जेन है। अब यहाँ पे एन की वैल्यू 6 रख दीजिएगा, C6H क्या हो जाएगा? 6 × 2 = 12 में से दोगे 10, C6H10 आपका आंसर हो जाएगा। मेलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल, मेलिएबिलिटी है मेटल की किस तरीके की एक प्रॉपर्टी है, यानी इनको आप क्या कर सकते हो किसी भी शीट्स के फॉर्मेट के अंदर ढाल सकते हो, टू कन्वर्टेड इनटू शीट्स, ये कहलाती है इसकी मेलिएबिलिटी, मेटल्स की प्रॉपर्टी। HIV द कॉज ऑफ एड्रेस इज, HIV ये होते हैं कारण है एड्स का, किसकी वजह से होता है ये? बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, प्रोटोजोमिन की वजह से, या पॉइजनस बग की वजह से? तो HIV जो एड्स का कारण है वो होता है वायरस की वजह से। इन ए क्विज द रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस वर मेंशन्ड, एक क्विज दी गई है आपसे, उसमें कह रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, सोलर रेडिएशन, ए रिक्वायर्ड सोलर रेडिएशन, बी है पिगमेंट, सी है एटमॉस्फेयर गैस, और डी है पीएच। विच ऑफ द मेन क्लोरोप्लास्ट एंड वाटर, तो क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर आएगा? तो क्लोरोप्लास्ट का मतलब आपका पिगमेंट, यानी क्लोरोप्लास्ट होगा बी, तो बी आपका ये हो गया। वाटर किसके अंदर आएगा? तो केमिकल कंपाउंड, तो वाटर किसके अंदर आएगा अपने? डी के अंदर, बी और डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ह्यूमन बीइंग के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स बिटवीन लंग्स एंड ब्लड एट, लंग्स यानी फेफड़े और ब्लड के बीच के अंदर किस पॉइंट के ऊपर गैसेज का आदान प्रदान होता है? तो होता है एलोवियली, यहाँ पे आप आंसर हो जाएगा एलोवियली। इसकी शेप पूछ लिया आपसे तो आपको बताना बेलून शेप। इन द फूड चेन गिवन बिलो एट विच ट्रॉपिक लेवल इज द सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर कहाँ पे है? ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नैक, हॉक, तो यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर किसको बोलोगे आप? तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी और लास्ट। वंस मॉस्किटोज वर इरेडिकेटेड बाई DDT
एक बार जब मच्छरों को अपन डीडीटी प्रोसेस के द्वारा इनको हटा देते हैं, नाउ दे आर रेजिस्टेंट टू डीडीटी। दिस इज एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है, अब वो डीडीटी के प्रति रेजिस्टेंट हो चुके हैं, विरोध हो चुके हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये प्राकृतिक सिलेक्शन या नेचुरल सिलेक्शन का। डेफिशिएंसी ऑफ ए हार्मोन कॉजेज द डिसऑर्डर डायबिटीज मेलिटस, विच एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट्स द हार्मोन। जो डेफिशिएंसी ऑफ ए हार्मोन कॉजेज द डिसऑर्डर, किस हार्मोन की वजह से डायबिटीज़ हो जाता है और ये किस ग्लैंड के द्वारा ये स्रावित किया जाता है, तो ये स्रावित किया जाता है पेनक्रियाज के द्वारा, अग्न्याशय के द्वारा। द डिफरेंस इन द ड्यूरेशन ऑफ ए डे एंड नाइट इंक्रीजेज एज वन मूव फ्रॉम, जो दिन और रात के अंदर डिफरेंस होता है वो बढ़ता जाता है, जैसे किस से किधर की तरफ मूव करते हैं, तो ये होता है इक्वेटोरियन विश्व से पोल्स की तरफ, ध्रुव की तरफ, इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो दिन और रात के बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ता जाता है। एंडोस्कोप, एंडोस्कोप अपन होता है एक टेस्ट होता है जिसके अंदर ह्यूमंस के अंदर अंदर की तरफ मुँह से होते हैं, एक पाइप डाली जाती है और उसके आगे कैमरा लगा हुआ होता है, और इसके अंदर से मतलब स्क्रीन के ऊपर अपने को मॉनिटरिंग होती रहती है, अंदर जो इंटरनल बॉडी के इंटरनल ऑर्गेन्स की पहचान करने के लिए, डिजीज की डिटेक्ट करने के लिए ये एंडोस्कोप किया जाता है। एंडोस्कोप यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर एग्जामिन द इनसाइड ऑफ पेशेंट्स स्टोमक, पेट के अंदर क्या है उसको एग्जामिन करने के लिए, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, तो ये करता है हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द कोयल इन ए हीटर इज मेड अप ऑफ, हीटर की जो कोयल है किससे मिलके बनी हुई थी, जो बल्ब होता है उसकी टंगस्टन से होती है, और जो हीटर होता है उसकी बनी हुई होती है नाइक्रोम से, आंसर हो जाएगा नाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस सेमीकंडक्टर बिहेव एज 0 केल्विन, 0 केल्विन के ऊपर सेमीकंडक्टर का बिहेव कैसा रहेगा। सेमीकंडक्टर बोलते हैं अपन अर्धचालकों को, अर्धचालक का मतलब होता है उनके जो कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड है इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो अलग अलग होता है, सिलिकॉन के लिए अलग होता है, जर्मेनियम के लिए अलग होता है एनर्जी गैप। तो ये कह रहा है कि इसका मतलब होता है कि किसी टेम्परेचर के बाद में, जैसे अपने इसको टेम्परेचर करते हैं, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके कंडक्शन बैंड में पहुँच के, मतलब जो वैलेंस कंडक्शन से वैलेंस में पहुँच के, मतलब इनका जो चालन स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि 0 केल्विन पे ये किस तरीके से बिहेव करते हैं, तो 0 केल्विन के ऊपर ये बिहेव करते हैं एज ए इंसुलेटर, कुछ अलग की बात है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉज्ड बाय वेरिएशन कंसंट्रेशन इज नोन एज, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यानी जो आवेशों के प्रवाह है, कॉज्ड बाय वेरिएशन इन कंसंट्रेशन इज नोन एज, कंसंट्रेशन के कारण आप देखते हो, जैसे आपके पास सेमीकंडक्टर है, पी एन जंक्शन की बात करें, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होता है इनकी वजह से जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है कॉज्ड बाय वेरिएशन इन कंसंट्रेशन इज नॉन एज, वो क्या कहलाएगा, यानी यहाँ पे जो होने वाली जो करंट्स की वजह से जो धारा प्रवाहित होती है इसको आप क्या बोलोगे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉज्ड बाय वेरिएशन इन कंसंट्रेशन इज नॉन एज, तो इसको अपन बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, दी वेरिएशन इन दी वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड, कोई भी लिक्विड होते हैं उसके वॉल्यूम के अंदर, यानी कोई भी द्रव होता है उसके आयतन के अंदर जो वेरिएशन होता है, विद द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड, यानी प्रेशर में वेरिएशन से, द वेरिएशन इन द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड विद द वेरिएशन ऑफ ए प्रेशर, किसी भी लिक्विड के प्रेशर के अंदर वेरिएशन करने से उस लिक्विड के अंदर वॉल्यूम के अंदर जो प्रेशर लिक्विड के वॉल्यूम में जो चेंज होता है उसको आप किससे डिपेंड करोगे, तो ये होता है कंप्रेसिबिलिटी। द रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ट्रांसवर्स स्ट्रेन यानी अनुप्रस्थ और लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य, ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अंडर एन एक्सियल लोड, एक एक्सियल लोड के कंडीशन के अंदर अनुप्रस्थ स्ट्रेन, स्ट्रेन बोलते अपन विकृति को, विकृति किसको बोलते हैं, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको बोलते अपन स्ट्रेन। तो ट्रांसवर्स स्ट्रेन से लॉन्गिट्यूडन स्ट्रेन का जो रेशियो था उसको क्या कहते हैं, आप कहोगे पॉइजन रेशियो। करंट डेंसिटी हैज द डायमेंशन, करंट डेंसिटी किसको बोलते हैं, करंट डेंसिटी को डिपेंड करते हैं जैसे जे करंट डेंसिटी होते किसी एरिया से फ्लो होने वाली करंट यानी आई अपॉन ए, इसको अपन बोलते हैं करंट डेंसिटी। तो यहाँ पे अपने को बताना आई की होती है आई और ए, ए यानी एरिया, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, आई की यूनिट ले लीजिएगा डायमेंशन में आई और नीचे के मीटर, मीटर की होते एल माइनस टू हो जाएगा क्योंकि ऊपर जाके आई एल माइनस टू आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्शन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एन एयर कैपेसिटर, आपके पास कोई एयर कैपेसिटर है उसके प्लेट्स के बीच में आप कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख देते हो तो कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट जीरो ए अपॉन डी। अब ये हमें डायलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हो यानी सी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन नॉट जीरो के, तो यानी इसका जो मीडियम का ये जो डायलेक्ट्रिक बढ़ेगा तो कुल मिलाकर कैपेसिटेंस है वो भी बढ़ेगा, इंक्रीज द कैपेसिटेंस।
द करंट थ्रो द कोयल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज डबल, कोई भी कोयल है थ्रो द कोयल द करंट होती है थ्रो द कोयल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज डबल, ऐसे आपने टू आई कर दिए। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कोयल, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, तो इसको बोलते हैं अपन एन आई बी बराबर म्यू जीरो एन आई एल, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट डबल, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसका डबल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। द फंक्शन ऑफ संट इन एन एमिटर, कोई भी एमिटर है जिसको हमेशा आप सीरीज में कनेक्ट करते हो, इसके अक्रॉस आपने एक संट लगा दिया, अक्रॉस लगाते हैं संट और मल्टीप्लायर लगाते हैं अपन वोल्ट मीटर की सीरीज में। ये कहता है द फंक्शन ऑफ संट इन एन एमिटर, एमिटर के अंदर संट का कार्य क्या होता है, तो ये क्या करता है करंट को बाईपास करेगा, यानी उसकी क्या होगा रेंज को बढ़ाने के लिए काम आता है, यह कहे तो बाईपास द करंट। इन सरफेस वाटर्स द प्रेजेंस ऑफ टेस्ट एंड ऑडियोर ड्यू टू डिजोल्व गैसेस में बी रिमूव्ड बाई, जो भी सरफेस वाटर होता है उसके अंदर जो टेस्ट और गंध की उपस्थिति होती है डिजोल्व गैसेज की वजह से, उसको आप किस विधि के द्वारा रिमूव करोगे, आंसर आपके पास फिल्ट्रेशन कोगुलेशन एरेशन या डिसइन्फेक्शन। ध्यान दीजिए किसको आप हटाना है, अपने को टेस्ट और ऑडियोर यानी जो स्वाद और गंध है इसको किसकी सरफेस वाटर के अंदर, और इसको अपन हटाना है तो इसकी विधि अपन लेते हैं एरिएशन। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक अंडर स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, आपके अंदर अगर पेजल के अंदर पूछे तो आपको बताना है बीओडी, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन, यानी कुल मिला के ये हो जाएगा एक एज वेस्ट वाटर हो जाएगा, और वेस्ट वाटर की कंडीशन में आपको बताना है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए, और ये यदि आपसे पेजल के अंदर पूछे जाते तो आपको बता देना बीओडी। द रेन वाटर टर्न्ड एसिडिक व्हेन इट्स पीएच वैल्यू फॉल्स, रेन वाटर है एसिड के अंदर कब चेंज हो जाएगा जब इसकी पीएच वैल्यू कहाँ तक पहुँच जाती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5.6। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, और समझते हो 0 से 14 तक इसकी स्केल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड्स कैन फ्लाइट ड्यूरिंग द नाइट बिकॉज दे प्रोड्यूस, चमगादड़ है रात को भी उड़ान कर सकती है और रात को भी फ्लाई कर सकती है, ये क्या प्रोड्यूस करती है किसकी वजह से, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सिंपल सा क्वेश्चन अल्ट्रासोनिक वेव्स। द ट्रैकिंग ऑफ पीपल बाय ट्रेंड डॉग्स, यानी जो ट्रेंड कुत्ते होते हैं उनके द्वारा लोगों की ट्रैकिंग की जाती है, इज बेस्ट ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, जैसे कोई भी घटनाक्रम होता है कहीं पे भी तो वहाँ पे कुत्तों की हेल्प से पुलिस वाले क्या करते हैं जो भी होता है लोगों की पहचान करते हैं अपराधियों की, तो ये कहता है कि किसकी सुगंध से फ्रॉम फिट, यानी फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द स्वीट फ्रॉम फिट, तो ये किसको सूंघ के पहचान करते हैं, बेस्ट ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द स्वीट फ्रॉम फिट, पैरों से निकलने वाले पसीने के अंदर किसको सूंघ के, तो वो होता है कार्बोऑक्सैलिक एसिड, कार्बोऑक्सैलिक एसिड जो कहाँ से निकलता है पैरों के पसीने से। ए पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप इज समटाइम्स कॉल्ड ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज ऑफ द, जो पर्सन होता है ए बी ब्लड ग्रुप वाला वो कभी कभी यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है बिकॉज ऑफ द, किसकी वजह से, आंसर हो जाएगा लैक ऑफ एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड, लैक ऑफ एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन एज द साल्ट पीटर, साल्ट पीटर आप किसको कहोगे, आंसर हो जाएगा आपका KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट यानी साल्ट पीटर। इन विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कार्बन एटम इज लार्जेस्ट, इंपॉर्टेंट है दो कार्बन एटम्स के बीच में डिस्टेंस किसके अंदर लार्जेस्ट होते हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड की बात करोगे तो होते हैं देखो सिंगल बॉन्ड होता है सैचुरेटेड कहेंगे, डबल बॉन्ड हो गया या ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो आप कहोगे अनसैचुरेटेड। यहाँ पे आप देखो कि सिंगल बॉन्ड किसके अंदर है, यहाँ पे बेंजीन इथेन इथीन इथाइन, तो ये देखो इथेन है, इथेन के अंदर आपको मिलेगा सिंगल बॉन्ड, बाकी इनके अंदर आपको मिलेगा डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड है उसके अंदर जो एडजेसेंट कार्बन एटम्स हैं उनके बीच की जो लेंथ होगी वो लार्जेस्ट होगी, तो ये डिपेंड करता है सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड। एक जो एडिबायोटिक वाल है वो क्या है, वन विच एडिबायोटिक वाल है वो क्या है, तो वह प्रिवेंट्स करती है थर्मल इंटरएक्शन। तो ये था सेशन सेट नंबर 20, तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसने भी नहीं किया हो तो शेयर करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।